अडेनियम विंटर केयर। सो हेलो टेरेस गार्डनर्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। एंड फॉर इन टुडेज वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विंटर अडेनियम केयर। तो ये काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अडेनियम की क्या केयर करें जिससे कि अडेनियम सर्दियों में सूखे ना। अक्सर जो हमारे अडेनियम का प्लांट है वो सर्दियों में सूख जाता है और उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती। तो अडेनियम में ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा अडेनियम का पौधा सूखे नहीं। कई बार सर्दियों में हमारे अडेनियम के पौधे सूख जाते हैं, उसमें यहाँ तक कि कीड़े लग जाते हैं और कई बार तो अडेनियम हमारा गल जाता है। जैसे कि जो हमारा अडेनियम है इसे छूते ही पूरा गल सा जाता है, पके हुए आलू की तरह, सॉरी उबाले हुए आलू की तरह, और जो हमारा अडेनियम का प्लांट है वो मर जाता है। तो आखिर इसकी क्या केयर करें ताकि इसके अंदर खूब सारे पत्ते रहें, पौधा हमारा अच्छा खासा चले और अडेनियम हमारा मरे नहीं। तो चलिए जानते हैं फुल अडेनियम केयर जो कि विंटर की होने वाली है, और जानेंगे ऐसे ज़रूरी टिप्स जिससे कि मरते अडेनियम को भी हम बचा सकें। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट कि वीडियो फुल देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। आधी अधूरी नॉलेज में हम लोग अच्छे से रिजल्ट नहीं ले पाते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपके सबसे पहले डाउट क्लियर करूं कि कई लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे भैया कि क्या ये दोनों प्लांट सेम हैं, क्योंकि अक्सर कई सारी वीडियोस में मैंने इन दोनों प्लांट्स को साथ दिखाया है। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि ये अडेनियम का प्लांट है ये वाला, और जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड पे प्लांट रखा है ये हमारा यूफोर्बिया मिली, या जिसे जीसस क्राइस्ट प्लांट भी बोलते हैं। इसे ईसा मसीह का प्लांट क्यों बोलते हैं इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जो हमारा ये प्लांट है इसको अडेनियम कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अब आइडेंटिफिकेशन पता चल चुकी होगी कि किस तरह से फूल आते हैं, क्या पूरा प्रोपोगेंडा है इन दोनों को समझने का। इसके अंदर दोस्तों कुछ इस तरह के फ्लावर्स आते हैं, और हमारी यूफोर्बिया मिली में कैसे फ्लावर आते हैं वो तो आप लोग को उसके प्लांट पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये थे कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेशन जिससे आप लोग पता कर सकोगे कि कौन सा पौधा यूफोर्बिया मिली का है और कौन सा अडेनियम का। अब चलिए जानते हैं विंटर केयर अडेनियम की, जिससे हमारा पौधा मरेगा नहीं विंटर में, पूरे विंटर भर चलेगा। टिप नंबर वन दोस्तों, अगर आप लोगों ने अडेनियम ग्रो किया है फर्स्ट टाइम तो यकीनन आप लोगों को इसके जो केयर होगी वो नहीं पता होगी विंटर्स की। और कई बार जिसको एक्सपीरियंस होता है अडेनियम उगाने का 5-6 साल का, उनके भी प्लांट जो है सर्दियों में वो मर जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जो हमारा अडेनियम का प्लांट है ये सर्दियों को बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं रिटेन कर पाता, क्योंकि ये जो हमारा प्लांट है ये एक डेजर्ट वाला प्लांट है जिससे कि गर्मी ही अच्छी लगती है, सर्दी में जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन तब भी अगर इसके हम लोग कुछ केयर करेंगे, अगर हम लोग कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, तो ये हमारा प्लांट विंटर्स यानी कि सर्दियों में भी बहुत अच्छा चलने वाला है। सो टिप नंबर वन, फुल सनलाइट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारा अडेनियम का प्लांट है ये डेजर्ट वाला प्लांट है, और डेजर्ट में जनरली हमेशा ही गर्मी रहती है सिवाय रात को छोड़ के। तो अगर आप लोग इसको फुल सनलाइट में पूरी ठंडी भर रखोगे तो ये हमारा पौधा मरेगा नहीं। साथ ही साथ और भी कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप लोग इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर डायरेक्ट ओस ना आए, या इसे ऐसे रखें ढक दें इसे तुलसी की तरह, ताकि इस विंटर्स में आप लोग इसे रात में इसके ऊपर कपड़ा डाल दें और सुबह होते ही इसके ऊपर से कपड़ा हटा दें, क्योंकि ओस इसके पत्ते ख़राब कर देती है और विंटर्स में तो वैसे भी ये पौधा हमारा डोरमेंसी में चला जाता है। टिप नंबर टू, अगर आप लोग अपना अडेनियम का प्लांट बचाना चाहते हो तो आप लोगों को कुछ बातों का और ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इसके अंदर वाटरिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सर्दियों में आपका अडेनियम जब मरता है, जब आप लोग इसके अंदर ओवर वाटरिंग कर देते हो यानी कि बहुत सारा पानी डाल देते हो, तो मैं आप लोग को बता दूं कि पूरी ठंडी आप लोग को इसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं डालना। चलिए जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो इसका कॉडेक्स है होता है अडेनियम के प्लांट का, इसके अंदर ऑलरेडी इतना सारा वाटर ये कंटेन करके रखता है कि इसका जो ये नीचे की रूट होती है इसको अडेनियम के प्लांट में कहते हैं कॉडेक्स। तो ये सारा पानी से ही फिल होता है। अगर आप लोग इसमें एक्स्ट्रा पानी डालोगे तो इसके अंदर रूट रॉट हो जाएगा और आपका अडेनियम का प्लांट मर जाएगा। अक्सर जो आप लोग मेरे को कमेंट करते हो कि भैया हमारा अडेनियम गल जाता है, उसका केवल एक ही रीज़न है, रूट रॉट, जो कि होता है फंगस से या जनरली होता है ओवर वाटरिंग से। तो ओवर वाटरिंग करने से बचें। विंटर में इसके अंदर आपको एक बूंद भी पानी नहीं डालना, केवल आप लोग को इसको 2400 घंटे धूप में रखना है। हालांकि 2400 घंटे धूप नहीं होती, तो 12 घंटे की धूप आप इसे ज़रूर दिखाएं। साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो तो इसके ऊपर की ये सारी मल्च जो कि फंगस लगाती है हमारे अडेनियम के प्लांट में, जितने भी पत्ते, खरपतवार, लकड़ी,
कंकड़, पत्थर, लकड़ी कुछ भी हो एक्सेट्रा, उसे हटा दें जिससे कि इसके अंदर कोई फंगस ना हो। और मैं आप लोग को बता दूं कि इसकी जड़ों में बहुत सारा पानी है, तो पानी बिल्कुल ना डालें। अक्सर 99% लोग यही गलती करते हैं और वो अपने एडेनियम से हाथ गंवा देते हैं। टिप नंबर 3, फ्लावरिंग। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो मैं आप लोग को बता दूं कि विंटर्स आते ही, यानी कि सर्दियां आते ही, दिसंबर के लास्ट वीक से ही इसके सारे पत्ते एडेनियम के झड़ जाते हैं और इसके अंदर के सारे पत्ते पीले होके गिर जाते हैं। सेम बात है, मैंने वही रिपीट कर दी, क्यों? ताकि आप लोग इसके अंदर कोई भी वॉटरिंग ना करें। साथ ही साथ इसके अंदर मैं आप लोग को बता दूं कि कोई भी फ्लावरिंग नहीं होती। अगर आप लोग का कोई 6-7 साल पुराना पौधा है तो ही उसमें विंटर्स में फ्लावरिंग होगी इक्का दुक्का। बाकी आप लोग देख लीजिए कि सीजन आ चुका है और इसके अंदर फ्लावर आना बंद हो चुके हैं। विंटर्स में इस प्लांट, इसने समर में बहुत सारे फूल प्रोड्यूस किए, लेकिन अभी हमारा पौधा जो है इसके अंदर कोई भी ग्रोथ फ्लावर की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पौधा है वो डॉर्मेंसी में जाने वाला है। तो डॉर्मेंसी में जाते वक्त प्लांट को कोई भी फ्लावर नहीं लगेंगे, तो आप लोग प्लांट की फ्लावर की टेंशन मत लीजिए। ये मैंने टिप में आप लोग को इसलिए बताया कि ताकि आप लोग इसके अंदर कोई फर्टिलाइजर ना डालें, आप लोग इसके अंदर कोई वॉटरिंग ना करें जिससे कि पौधा डॉर्मेंसी से ना उठ पाए। पौधे को आराम से सोने दीजिए 3-4 महीने तक, तभी आपका प्लांट अच्छे से दोबारा समर में जग के ढेरों फ्लावरिंग कर पाएगा। साथ ही साथ जो लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया कि हम लोग धनिया, मेथी, पालक, ये भाजी वाली सब्जियों के लिए कौन सा जुगाड़ करें जिससे कि मिट्टी कम लगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी भाजी वाली सब्जियां मिल जाए, तो उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, जाइए चेक कीजिए, आई बटन पे उसका लिंक आ गया होगा। साथ ही मैं आप लोग को विंटर से रिलेटेड गार्डन वर्क कुछ कर लेना चाहिए, इसकी मैंने सेपरेट वीडियो इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि आपका पक्का टाइम वेस्ट होता अगर आप लोग एक और वीडियो देखते। तो इन शॉर्ट मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों को क्या करना है। विंटर्स आते ही, जैसे अब आ चुके, तो लौकी, तोरी, जितने प्लांट हों सबको हटा दें, ब्रोकोली के बीज लगा दें, पत्ता गोभी के, फूल गोभी के लगा दें, मटर, टमाटर, धनिया और सभी भाजी वाली सब्जियां, पालक, मेथी सब ग्रो कर रहे। साथ ही में अगर किसी प्लांट में इस तरह से अगर फीमेल फ्लावर आ रहे हों, जैसे कि मेरे इस वाले प्लांट में कई जगह पे दोस्तों देखिए फीमेल फ्लावर है, ये देखिए छोटे छोटे भी फीमेल फ्लावर आ रहे हैं, तो भी जिस प्लांट में फीमेल फ्लावर आ रहे हों उसको ना हटाएं, क्योंकि अभी ये प्लांट अपनी ग्रोथ वाले पोजिशन में है, तो अच्छे से इसको फ्रूटिंग कर लेने दें तब इसको हटाएं, क्योंकि ऐसे प्लांट को हटाना अच्छा नहीं होता, अभी ये प्लांट अपने फुल प्रोडक्शन मोड में है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी और भी ऐसी वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लिया होगा। थैंक यू।